हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है। आज देखिए मौसम काफ़ी सुहाना, काफ़ी बादल लगा हुआ है चारों तरफ। अभी हम आए थे अपने पेड़ पौधों को पानी देने। ये मैंने नींबू का पेड़ बाहर से लाया था, जो ये कागजी नींबू है और ये कलकत्ता ब्रांड है। थोड़ा इसका लेंथ जो है लंबा लंबा होता है, तो ये अभी पकड़ रहा है लेकिन अभी पूरा हेल्दी नहीं हुआ है। थोड़ा थोड़ा पत्ता इसका जो है मुरझाया जैसे है, लेकिन अब धीरे धीरे ये अपना पकड़ बना रहा है। ये मेरा अमरूद देखिए अभी इतना बड़ा हो गया है, पहले काफ़ी छोटा था। और वहाँ एक आम का पेड़ हमने लगाया है, एक बेल का पेड़ यहाँ पे है और एक आंवला का है। एक आम का पेड़ मेरा यहाँ देख सकते इतना बड़ा हो गया है। अभी हम लोग भिंडी की तुड़ाई करने आए हैं, मिट्टू लोग भी साथ में आए हैं। अभी एक भिंडी खा चुका है मिट्टू, देखिए। अभी आप लोग देख सकते हैं भिंडी में फूल भी लगा हुआ है और भिंडी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। या देखिए बारिश भी हो रही है झिमझिम झिमझिम, तो काफ़ी आनंद भी आ रहा है, गर्मी से राहत लग रहा है। और भिंडी हमने कई सारा तोड़ लिया है। भिंडी को हमेशा ग्लव्स पहन के तोड़ना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं मिट्टू, वो लोग जंगली तोता है, उन लोगों से बात नहीं करो, वो उठा ले जाएगा तुमको, फिर बातचीत नहीं हो पाएगा। अभी हम लोग अपने बड़े क्षेत्रफल की तरफ चलते हैं, जहाँ पर ढेर सारा भिंडी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए कीड़े सारे जो है भिंडी के मतलब फूल से जो है पराग कट को चूस रहे हैं और फिर दूसरे को दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है प्रोसेस चलते रहता है बायोलॉजिकल, जिससे भिंडी जो है नया पैदावार अपना करता है। देखिए यहाँ छोटा छोटा भिंडी, ये छोटा भिंडी, ये बड़ा भिंडी, ये देखिए। भिंडी का भुजिया किन किन को पसंद है कमेंट करके बताएं। मुझे तो भुजिया इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। लगभग आधा केजी भिंडी डेली निकल जाता है इसमें से। आज पूरा बारिश जैसा ही हो गया है दिन, आप लोग देख सकते हैं झिमझिम झिमझिम बारिश हो रही है। और हम भिंडी अभी तोड़ के ले जाएंगे, भिंडी की भुजिया बनवाएंगे। और कुछ करेली भी हमने तोड़ा है, करेली भी ज़्यादा नहीं निकल रहा है, 3 पीस निकला है। मिट्टू को भी भिंडी खाना बहुत पसंद है, तो इन लोगों के लिए भिंडी जो कड़ी भिंडी रहती है इन लोगों के हिस्से का हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को कड़ी भिंडी खाना काफ़ी अच्छा लगता है। अब लगभग भिंडी हमने इकट्ठा कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। मिट्टू लोग देखिए भिंडी तोड़ने के लिए मेरे कंधे पे बैठा हुआ है, कैसे ये लोग आया है मेरे साथ घूमने। अभी सुबह सुबह का समय है, तो भिंडी तो हमने काफ़ी तोड़ लिया है, कुछ भिंडी और बाकी रह गया है। लो, ये कंधे पे बैठ के ही भिंडी खाता है, इसको भिंडी खाना इस तरीके से काफ़ी पसंद है। और मेरे कंधे पे देखो ये क्या कर दिया, गिरा दिया नीचे, देख रहा है गिरा के, भिंडी नीचे गिर चुका है और उसको देख रहा है ये। तो हम गिरी हुई भिंडी को उठा के इसको देंगे, बड़े वाले मिट्ठू को, इसको भी खाना बहुत पसंद है। देखिए कैसे ये खा रहा है, क्या कर रहे हो, हमको परेशान कर रहा है, कहाँ चला गया जी। ये लोग अभी नहीं खा पा रहा है, गिरा दे रहा, क्योंकि हम जब इधर उधर मूव कर रहे हैं जिस कारण से भिंडी गिर जा रही है। तो अभी इन लोगों को जब चलेंगे केज में, तब वहाँ पे इन लोगों को बैठा के खिलाएंगे। ये हो गया हम लोगों का खेत का पूरा एरिया। अब गेट बंद करने का समय आ गया। इस तरीके से बाउंड्री इसका है, तो इसको हम घेर देंगे, जिससे ये
काफ़ी, बकरी कुत्ता ये सब ना जाए। इसी के लिए हम लोग इसमें नॉट लगा देते हैं कि बकरी कुत्ता इंटर ना करे। चारों तरफ काफ़ी घना हरा भरा जंगल जैसे हो गया बारिश की वजह से, काफ़ी बारिश जैसा मौसम हो गया। ठीक है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं।